हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11th की जो यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसका जो पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे कैसे होता है, उसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या होती है। अगर आपने सॉलिड लिक्विड वाली कंडीशन को समझ के आए हो तो इस वाली कंडीशन को आप अपने आप बना सकते हो। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, कि हमें ओपन वेजल नहीं लेनी होती, हमें क्या लेनी होती है, क्लोज्ड वेजल। क्या लेनी होती है हमें, क्लोज्ड वेजल। वो क्यों, वो भी हम अब इसमें साथ में देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमने एक क्लोज्ड वेजल ली है। अब जो भी वेजल हम लेंगे, जो भी कंटेनर हम लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नमी होती है, मॉइस्चर होती है। तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम। यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इसमें जो भी मॉइस्चर होती है ये इसको अपने अंदर सोख लेता है और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हमने लगाना है एक मरकरी मैनोमीटर, यू शेप्ड मरकरी मैनोमीटर। तो जब हम पहले देखेंगे तो इसका जो लेवल होगा, इसका जो लेवल होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये वाली जो चीज़ है ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी नमी नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी टेक कैल्शियम कार्बाइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इनसाइड द क्लोज कंटेनर। एट दैट टाइम वी सी दैट द लेवल ऑफ प्रेशर इन मरकरी मैनोमीटर रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ये जो लेवल है वो सेम रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉइस्चर थी वो कैल्शियम कार्बाइड ने एब्जॉर्ब की है। तो अगर आपने इसको बनाने के बाद कुछ पॉइंट लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, वी टेक कैल्शियम कार्बाइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इनसाइड क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद वी टेक ए मरकरी यू शेप्ड मरकरी मैनोमीटर। एट फर्स्ट कंडीशन जब हमने ये लिया है तो क्या लिख सकते हैं भैया, ये कि द लेवल इन मरकरी मैनोमीटर मीटर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल है मरकरी मैनोमीटर में वो सेम रहेगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये पॉइंट है आप जो इसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हम क्या देखेंगे इसमें, कि जब हमने इस कैल्शियम कार्बाइड को मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे हमने वाटर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिया वाटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिया, समझने के लिए हम यहाँ पे बना सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा वो किस एक टाइम के बाद है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से निकल के वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेंगी हमें, वेपर्स। और इन वेपर्स की वजह से जो ये लेवल होता है, इन वेपर के वेपर प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे मरकरी मैनोमीटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एक टाइम क्या आता है कि वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे एक बार तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो ये वेपर्स हैं वो वापस से किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, लिक्विड में स्टार्ट होना हो जाती हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है कि पहले जो वाटर है वो किसमें चेंज होता है, वेपर्स में। तो यहाँ पे वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, कुछ समय के बाद जो वेपर्स हैं वो वापस से लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। लिक्विड में बदलना स्टार्ट होएंगी तो ये आपस में जितने वाटर है वो, जितने लिक्विड पार्टिकल हैं वो वेपर में बदलेंगे, उतने ही वेपर के पार्टिकल हैं वापस से लिक्विड में बदल जाएंगे। और ओवरऑल जो यहाँ पे वाटर है और जो यहाँ पे वेपर्स है उनका जो अमाउंट होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो लेवल है वो भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्या समझा आपने, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे लिख के, अगर आपने लिख के दिखाना है क्योंकि एग्जाम में हमें लिख के दिखाना होता है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि वोटर चेंजेज इनटू वोटर, ये तो आप खुद से भी बना सकते हो, वेपर्स ड्यू टू दीज वेपर्स प्रेशर इंक्रीजेज एंड लेवल इन मर्करी मैनोमीटर इंक्रीजेज इंक्रीज बट एट ए सर्टेन टेम्परेचर जिसको हम लेते हैं नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि जितने जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के वेपर में चेंज होंगे, उतने ही वेपर के वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चेंजेज इनटू वेपर्स इज सेम टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेपर्स चेंज इनटू वाटर। यहाँ तक हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या होगा वाटर वेपर में बदलेगा, उसकी वजह से क्या होगा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वहां से जो लेवल है मर्करी मैनोमीटर में वो इंक्रीज होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे लिक्विड जितने अमाउंट वाटर के लिक्विड में लिक्विड के वेपर में चेंज होंगे उतने ही अमाउंट वेपर के लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वो सेम हो जाएगा। तो जो ये लेवल है मर्करी मैनोमीटर में वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, लेवल बिकम्स कॉन्स्टेंट इन मर्करी मैनोमीटर। ठीक है, ये सब आप इसमें लिख के दिखा सकते हो, ये सब हमने यहाँ से दिखा है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हैं क्या कि जो रेट होगा वेपराइजेशन का वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये वाली कंडीशन आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद देखो, देखा क्या गया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया, देखो ये वाली कंडीशन कि क्लोज ओपन वेजल में क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्या हुआ है कि लिक्विड पार्टिकल जो वेपर के पार्टिकल हैं वो आपस में कोइंसाइड हो गए, आपस में कंडेंस हो गए, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन वेजल होती तो जो लिक्विड जो वेपर्स बनती ना उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता तो वहाँ पे कोलोइजन नहीं हो पाता तो कंडेंसेशन की अमाउंट है वो नेग्लिजिबल होती। तो आप लिख सकते हो इन ओपन वेजल रेट ऑफ कंडेंसेशन इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। तो इसीलिए जो ओपन वेजल होती है उसमें हमारा ये इक्विलिब्रियम नहीं होता। उसके बाद देखो, देखा क्या गया यहाँ पे, हमने लिया यहाँ पे वाटर, हो सकता है कि वाटर की जगह पे हम यहाँ पे अलग अलग लिक्विड लें। देखा क्या गया कि एसीटोन लिया तो जो रेट है वो अलग आया, इथाइल अल्कोहल लिया तो जो रेट है वो अलग आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम है या वेपराइजेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले जो हमने नेचर लिया है, जो लिक्विड लिया है उसका नेचर कि वो कैसा हमारा लिक्विड है। उसके बाद सेकंड क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो नेचर है लिक्विड का वो कैसा है, उसके बाद जो लिक्विड हमने लिया है वो कैसा लिया है। तो ये वाली कंडीशन देख के ही हम पता लगाएंगे जो हमारा रेट होगा वो क्या होगा। उसके बाद जैसे हमने पहले वाले में डिस्कस किया था, जब हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये वाली जो नॉर्मल जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सॉलिड लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट होती है तो उसको हमने बोला था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, या तो नॉर्मल
फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी क्या कि एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नियरली होता है अबाउट टेम्परेचर होता है, देन दिस टेम्परेचर टेम्परेचर जहां पे वेहर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था हमारा क्या कि जब हमारा जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपराइजेशन और जो हमारा कंडेंसेशन है उसका रेट इक्वल हो जाता था उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा ही पहले में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे जैसे हमारा हाई एल्टीट्यूड होता जाता है तो हमारा क्या एयर का प्रेशर होता है, तो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की साइड हम जाते हैं तो एयर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे एयर का वेपर प्रेशर कम होगा तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो एक लास्ट लाइन आप इसमें ऐड कर सकते होगी एट एल्टीट्यूड द वेपर प्रेशर ऑफ एयर इज लो हेंस लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस जो सब्सटेंस हम लेते हैं उसका नीचे की बजाय ऊंचाई पे क्या होता है हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है कि थोड़े से टेम्परेचर पे ही वो बॉइल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है वो भी खत्म होता है। इससे पहले हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देखा था, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।